हेलो एंड वेलकम। आज फिर एक नए वीडियो में बात करेंगे फ़ोन पे वर्क फ्रॉम होम पार्ट टाइम जॉब। फ़ोन पे के बारे में सब लोग जानते हैं क्योंकि आप आज सब कुछ मतलब फ़ोन पे चल रहा है। जैसे कि आप सब्जी मंडी पे जाओ तो फ़ोन पे करते हो, चाय पीने जाते हो फ़ोन पे करते हो, कोई भी चीज़ खरीदते हो फ़ोन पे करते हो। सब लोग कहते हैं फ़ोन पे किया क्या या फ़ोन पे कर दूंगा आपको। फ़ोन पे एक डिजिटल ट्रांजैक्शन और फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करता है, सब लोगों को पता है। डीटीएच रिचार्ज से लेके सब कुछ उसमें आ जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर फ़ोन पे जैसी बड़ी कंपनी, इंडिया की जो बड़ी फाइनेंस सर्विस प्रोवाइडर कंपनी, आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी दे रहा है तो कैसा होगा, मतलब कैसा रहेगा और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हम कैसे मिस कर सकते हैं। फ़ोन पे का जो हेड क्वार्टर है बेंगलुरु में, और हो सकता है कि कुछ जॉब्स पार्ट टाइम वर्क फ्रॉम होम है और कुछ जॉब्स वहाँ पे कॉर्पोरेट में बैठ के करनी होती है। तो मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि मैं इस प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम देखने वाले हैं कि जॉब कहाँ पे जाना है, कहाँ पे ढूंढनी है और कहाँ पे जाके हम अप्लाई कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन मैं ये ऐसी सोरिटी नहीं दे रहा हूँ कि 100% वहाँ पे सारी की सारी जॉब वर्क फ्रॉम होम और पार्ट टाइम जॉब्स है। ठीक है, वहाँ पे कुछ जॉब्स ही ऐसी मिलेंगी जो वर्क फ्रॉम होम है और कुछ जॉब्स ऐसी होगी जो आपको फील्ड जॉब भी होगी, कुछ जॉब्स वहाँ पे कॉर्पोरेट में हाउस में बैठ के वहाँ पे करना होगा, इस तरह के जॉब्स हैं। ठीक है, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप फ़ोन पे की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं। जी हाँ, फ़ोन पे की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके हम पता करेंगे, तभी जाके हमें यकीन होगा कि ये रियली जॉब है या फिर कोई फेक है या फिर कोई फ्रॉड है। ठीक है, तो फ़ोन पे आप लिखोगे सीधा गूगल पे, तो सीधा फ़ोन पे क्लिक करके ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हो। अदरवाइज़ आपको नहीं इतनी मेहनत करनी तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक दे दूंगा, सीधा क्लिक करके जा सकते हो। बिल्कुल, मैंने ये जो वेबसाइट यहाँ पे आप देख सकते हो URL phonepe.com/career, सीधे करियर पे जाएंगे तो हमें यहाँ पे सारी जॉब्स मिल जाएंगी। मैं सीधा पॉइंट ऑन द पॉइंट पे बात करने वाला हूँ, बिल्कुल इधर उधर की बातें नहीं करूँगा और आपका टाइम बहुत कीमती है, मैं फटाफट से उसको शॉर्ट में कवर करना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप दूसरी डिटेल्स देख सकते हो फ़ोन के बारे में। उसके बाद करियर में जाओगे तो सीधा यहाँ पे आपको फ़ोन पे के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो जॉब्स होगी, जो वैकेंसीज होगी, सब कुछ दिख जाएगा। यहाँ पे आप जाओगे तो थोड़ा बहुत फ़ोन पे के बारे में, आपकी फ़ोन पे क्यों फ़ोन पे को ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है, उसके बारे में, उसकी मतलब कंपनी के बारे में डिटेल्स हैं। उसके बाद कंपनी का वैल्यूज़, कंपनी क्या क्या वैल्यूज़ प्रोवाइड करती है। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे वी आर लुकिंग फॉर टैलेंटेड पीपल लाइक यू, मतलब कि आप जैसे टैलेंटेड पीपल को उनकी खोज है, मतलब उनको चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी में जॉब मिल जाती है, जैसे कि आप बिजनेस डेवलपमेंट एंड सेल्स में हैं, अगर आपने कुछ एक्सपीरियंस हासिल किया है तो वहाँ पर आप जॉब कर सकते हो, या फिर आप बिजनेस इनेबलमेंट और ऑपरेशंस में कुछ किया है तो वहाँ पे आप जॉब कर सकते हो, कॉर्पोरेट या फिर कस्टमर एक्सपीरियंस एंड बिजनेस ऑपरेशन। उसके बाद डेटा साइंस, इंजीनियरिंग और प्रोडक्ट और टेक इंफ्रा एंड आईटी। मैं आईटी का बंदा हूँ तो मैं पहले आईटी खोलना चाहूँगा। ठीक है, आप जिस भी फील्ड में जॉब करना चाहते हो उस फील्ड में आप कर सकते हो यहाँ पे आप। ठीक है, मैं आईटी फील्ड में, आईटी इंफ्रा में कर सकता हूँ। और यहाँ पे थोड़ी बहुत डिटेल्स दी गई है कि किस तरह की जॉब्स होगी, किस तरह से अपॉर्चुनिटी को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे दो जॉब्स दी गई है और यहाँ पे इंस्टेंटली मतलब बदलता रहता है। ये 20 तारीख को इन्होंने डेटा लोड करा है, 20 तारीख को ये दो अपॉर्चुनिटी आई और अभी भी एक्टिव पोजिशन पर होंगी। ठीक है, और जैसे जैसे दिन बदलते हैं और उनकी रिक्वायरमेंट्स बदलती है, उस तरह से उनके हिसाब से वो यहाँ पर डेटा अपलोड करते हैं और वैकेंसीज मतलब रखते हैं। आप देख सकते हो साइट रिलेटेबिलिटी इंजीनियर, उनको ये इंजीनियर चाहिए। उसके बाद दूसरा सेम, एक ही काम के लिए दो इंजीनियर चाहिए। अगर मुझे इस तरह का काम आता है, मैं इस तरह के रोल्स पे काम कर सकता हूँ, तो मुझे यहाँ पे सिंपल से क्लिक करना है और देख सकते हो कि यहाँ पे अप्लाई नाउ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई नाउ पे अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, उससे पहले थोड़ी और डिटेल जान लेते हैं कि किस तरह की जॉब है, क्या है। फ़ोन पे के बारे में थोड़ा डिटेल है, उसके बाद फ़ोन पे का कल्चर कैसा है वो आप देख सकते हो। उसके बाद आप वी रिक्वायर क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी उस जॉब को करने के लिए, वो यहाँ पे सारा कुछ दिया है। ठीक है, कितना एक्सपीरियंस चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या स्किल्स चाहिए, सब कुछ पढ़ सकते हो आराम से। मैं पढ़ने जाऊँगा, टाइम लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो फ़ोन पे का फुल टाइम एम्प्लॉय बनने से क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं आपके, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो इतनी सारी डिटेल फिल करके सबमिट एप्लीकेशन कर सकते हो और आपकी एप्लीकेशन उनके पास पहुँच जाएगी और आप अगर इलिजिबल हो उसके लिए तो आपको सीधा कॉन्टेक्ट किया जाएगा।
आपको यहाँ पे रिज्यूम सबमिट करनी है और आपकी बेसिक डिटेल्स फिल करनी होगी, जैसे कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ। उसके बाद रिज्यूम सबमिट करके आपको सबमिट करना है और आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा अगर आप उस फील्ड के लिए कैपेबल हो। ठीक है, तो दोस्तों हमने एक इस जॉब को जाना कि किस तरह से वहाँ पे अप्लाई करना है, किस तरह से वहाँ पे सबमिट करनी है हमें। यहाँ पे आप किसी भी कैटेगरी की जॉब करना चाहते हो तो यहाँ पे कर सकते हो। और यहाँ पे लोकेशंस, मोस्ट ऑफ लोकेशंस बेंगलुरु के दिए गए होंगे क्योंकि वहाँ पे कॉर्पोरेट हाउस है उनका। तो कुछ जॉब्स में वहाँ पे वो लोगों को उनके हाउस में, मतलब उनके कंपनी के अंदर बिठा के काम करवाना चाहते हैं और वो जॉब्स वहाँ पे जाके करनी होगी। और फोन पे एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो एकदम ट्रस्टवर्दी और बहुत ही अच्छी लेवल पे ग्रो कर रही है आज के टाइम में। ठीक है, तो दोस्तों हम फोन पे पे अगर काम करते हैं तो अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है उनका। बिगिनर मतलब फ्रेशर, एज अ फ्रेशर आप जाओ तो भी वहाँ पे 25K भी ज़्यादा सैलरी मिल सकती है। ठीक है, वो आपकी स्किल्स और आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सैलरी वहाँ पे मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखना है कि आपके लिए कौन सी जॉब है, वो देख के आपको अप्लाई करना है। अब मुझे ये पता नहीं कि आप किस कैटेगरी के हैं और आपको कौन सी कैटेगरी में इंटरेस्ट ज़्यादा है और आप कौन सी कैटेगरी में जॉब ढूंढ रहे हैं, मुझे नहीं पता। तो मैं यहाँ पे सारा कुछ खोल के आपको दिखाना नहीं चाहता स्टेप बाय स्टेप, और सब कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। इसलिए इससे अच्छा है कि आप खुद फोन पे की एप्लीकेशंस को विजिट करिए और साथ ही साथ आप देख लीजिए कि कौन से जॉब आपके लिए बेस्ट है, कौन से जॉब आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, क्या आप पार्ट टाइम कर सकते हैं उसको, या फिर आपको वहाँ पे जाके जो ऑफिस में जाके बैठ के काम करना है। लेकिन अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आप जॉब यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, इसलिए बस मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।